वेलकम टू द पाकिस्तानी फैमिली रिएक्शन में उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे, जहाँ होंगे खुश होंगे आबाद होंगे। तो चैनल पर नहीं हो चैनल को सब्सक्राइब कर दे। मेरा नाम वजाद है, मेरे समीर अबू नदीम। यार अभी वीडियो निकल गया है, बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड है, कमाल होने वाला है यार। आप लोगों ने बहुत नाम सुने होंगे कि सुंदर पिचाय गूगल के ऑनर हैं, तो ये हैं तो वो हैं। वो लिस्ट आज निकली है, 200 इंडिया का वो लोग है जो बाहर के कंट्रीज की गवर्नमेंट्स को चला रहे हैं, मतलब गवर्नमेंट में है ठीक है, बाहर की कंट्री हाँ, मतलब जो गवर्नमेंट के पदों पर है ठीक है, सरकारी जो होते हैं, जिस तरह वो लीडर्स होते हैं बड़े बड़े, तो वो है। बिना किसी देरी की वीडियो देखते हैं क्योंकि मुझसे नहीं रहा जा रहा, क्योंकि वो इतने बड़े बड़े नाम है, तो इनका जरा देखते हैं कि ये कौन कौन और किस किस कंट्री में क्या क्या है। तो काउंट ऑन करते हैं, 3, 2, 1 एंड स्टार्ट। हो गया यार 200 पापा को कम गिनती नहीं ना ना। कमला हैरिस, सुंदर पिचाई, ये वो तमाम बड़े नाम हैं जिनको सुनकर आपको लगता होगा कि ये वो भारतीय हैं जो भारत का नाम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ऊंचा कर रहे हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो भारत का नाम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ऊंचा कर रहे हैं। दरअसल ऐसे 200 नाम आज हम बताने वाले हैं आपको जो कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत का नाम। क्या बात है भाई। दरअसल इंडियन सपोरा 2021 ने एक लिस्ट जारी की है और इस लिस्ट में 200 भारतीयों का नाम है। इन 200 भारतीयों में से कुछ तो ऐसे हैं जो कि कई राष्ट्रों के प्राइम मिनिस्टर हैं या फिर वहां के प्राइम मिनिस्टर। उदाहरण के तौर पर प्राइम मिनिस्टर हैं प्रवीण जुगनाथ, ये मॉरिशस के प्रधानमंत्री हैं। इसके अलावा पृथ्वीराज सिंह रूपौन जो कि प्रेसिडेंट हैं। इसके अलावा मोहम्मद इरफान जो कि गोयना के प्रेसिडेंट हैं। एंटोनियो कोस्टा जो कि पुर्तगाल के प्रेसिडेंट। प्रसाद संतोखी जो कि सुरीनाम के, बहुत बड़ी बात, ये वो तमाम बड़े नाम हैं जो कि राष्ट्रों को चलाते हैं यानी वहां के राष्ट्राध्यक्ष हैं। इसके अलावा हम बताने वाले हैं आपको इस वीडियो में कि वो कौन से 200 नाम हैं जो कि अलग अलग राष्ट्रों में या तो वाइस प्रेसिडेंट हैं या तो चीफ जस्टिस हैं या फिर कोई इसी बड़े पद पर चीफ जस्टिस भी। नमस्कार, मैं मोहित और आप देख रहे हैं भारत तक, और इंडियन सपोरा की जो लिस्ट निकली है उसके बारे में हम आज आपको बताने वाले हैं। इस लिस्ट में क्या कुछ है, किसके किसके नाम है, कौन कहां पर तैनात है, इस पूरी जानकारी हम आपको देने वाले हैं वीडियो में। चलिए अब हम आपको सिलसिलेवार तरीके से बताते हैं कि वो कौन से भारतीय हैं जो दूसरे देशों में राष्ट्राध्यक्ष हैं। सबसे पहले बात आती है एंटोनियो कोस्टा की, ये प्राइम मिनिस्टर हैं पुर्तगाल के। दूसरे नंबर पर है मोहम्मद इरफान जो की गोयना के प्रेसिडेंट है। इसके बाद प्रवीण जगन्नाथ जो की मॉरिशस के प्रधानमंत्री हैं। इसके बाद पृथ्वीराज सिंह रूपन जो कि प्रेसिडेंट है मॉरिशस के। इसके बाद पांचवे नंबर पे आता है चंद्रिका प्रसाद संतोखी जो कि प्रेसिडेंट है सुरीनाम के। अब हम बात करते हैं जो कि डिप्टी हेड हैं दूसरे सरकारों में, दूसरे देशों में जो उपराष्ट्रपति पद के समकक्ष या फिर उपराष्ट्रपति पद पर तैनात है। कमला हैरिस वाइस प्रेसिडेंट है यूनाइटेड स्टेट्स। भरत जगदेव ये है वाइस प्रेसिडेंट गोयना के। इसके बाद लियो वराडकर जो की आयरलैंड के मिनिस्टर, आयरलैंड के ट्रेड एंड इंडिया के। कैबिनेट मिनिस्टर की बात करें तो इसमें रोजी अकबर का नाम है जो कि फिजी में है। इसके बाद फारिस अल रवि, अनिता आनंद, फ्रैंक कैबिनेट मिनिस्टर्स हैं, विपिन बालकृष्णन, प्रवीण बाला, दर्शानंद बैलगोबिन, विक्रम भारत, सुमिल दत्त भोला, सुलेला ब्रेवरमैन कैनेडा, नेल्सन डिसूजा, टेरेंस दयाल सिंह, नाइजेल धर्मलाल, लीला देवी, अलान गानू, मनीष गोबिन, प्रवीण गोर्धन, तिरुथ राज हुर्द्योल, देवदत्त इंदर, एस ईश्वरन, फ्रैंकलिन खान, कल्पना देवी, रिश्मा कुलदीप सिंह, प्रमिला कुमार, प्रिया मानिकचंद, कृष्णा मथुरा, सुधीर मोदी, सर्वानंद मुर्गन, और बड़े बड़े कंट्रीज में अमेरिकन नैना अमेरिकन, अनिल नंदलाल, रेनगन दिन, सोनिया सावित्री पराग, इब्राहिम पटेल, प्रीति पटेल, आनंद पेरुसाद, विद्या प्रसाद, प्रियंका राधाकृष्णन, इंद्रानी रजा, अमर रामदीन, काव्यदास रामानो, क्लेरेंस रामभरत, अल्बर्ट रामदीन, हनाफी रामसरन, चार्ली रामसन, महेंद्र रेड्डी, हरजीत सज्जन, सुदक्ष सत्ताम कालीचरण, के सनमुगन, थर्मन सनमुगतनम, महेंद्र नाउत शर्मा, आलोक शर्मा, रोहन सिनानन, कैलाश कुमार सिंह, जगुतपल, अविनाश सिंह, ऋषि सोनक, नीरा टंडन, अविनाश तेलक। वही अगर हम अम्बेसडर्स की बात करें तो इसमें भी एक लंबी चौड़ी लिस्ट है, वो तो बहुत। आप एक नजर इस लिस्ट पे भी डालिए, इस लिस्ट को देखकर आप समझ जाएंगे कि यहाँ पर
कौन कौन से जो लोग हैं वो दूसरे देशों में अम्बेसडर के पद पर तैनात हैं। इसके अलावा अगर हम कॉन्सुलेट जनरल की बात करें तो इसमें दो नाम है, एक है राणा सरकार जो कि कनाडा के लिए कॉन्सुलेट जनरल है सैन फ्रांसिस्को में, और इसमें है डोमिनिक ट्रिनाट जो कि कॉन्सुलेट जनरल है इन संघाई ऑस्ट्रेलिया। अगर वही हम चीफ जस्टिस की बात करें तो इस वक्त मौजूदा अगर हम बात करें तो इसमें चार बड़े नाम है, अशरफ चौहान है ये चीफ जस्टिस है मॉरिशस के, कमल कुमार चीफ जस्टिस है फिजी के, सुंदरेश मेनन चीफ जस्टिस है सिंगापुर के, और इवान रासो ब्लेकस जो कि प्रेसिडेंट ऑफ हाई कोर्ट ऑफ जस्टिस हैं सुरीनाम के। वहीं हम बैंक की बात करें तो इसमें भी चार बड़े नाम हैं, आरिफ अली जो कि फिजी के रिजर्व बैंक के गवर्नर हैं, गोविंद गंगा जो कि गवर्नर हैं गोयना के बैंक के, रवि मेनन मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ मॉनेटरी अथॉरिटी ऑफ सिंगापुर, हरवेश सिगोलम गवर्नर ऑफ द बैंक ऑफ मॉरिशस। अगर हम सांसदों की बात करें तो ये लिस्ट काफी लंबी है, आपको एक नजर इस लिस्ट पर डालनी चाहिए। बड़े बड़े कंट्रीज में ऑस्ट्रेलिया कनाडा इंग्लैंड अमेरिका सब ऐड है यार। कमाल है भाई, ये देखें चीफ जस्टिस के होते भी बारे में बहुत बड़ी बात होती है, चीफ जस्टिस किसी मुल्क का पापा बहुत बड़ी बात होती है यार। अब बात सीनियर सिविल सर्वेंट्स की, इसमें दो बड़े नाम हैं। इस नाम में अनिल अरोरा हैं जो कि चीफ स्टैटिस्टिशियन हैं कनाडा के, और इसमें है हरिंदर सिद्धू जो कि ये क्या होता है कॉन्वर्सेशन बताएं सर्विस डिलीवरी ग्रुप इन द डिपार्टमेंट ऑफ फॉरेन ट्रेड एंड अफेयर्स। इसके अलावा बाइडेन प्रशासन में जो भारतीय मूल के लोग शामिल हैं उनकी भी कतार काफी लंबी है। अब चलिए हम यूनाइटेड स्टेट्स जो है पूरी अमेरिका में, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में कौन कौन से भारतीय ऐसे नेता हैं और जिनका नाम और कद दोनों सीरियसली अमेरिका में इसको एक बार ध्यान से देखिए। बिल्कुल मजाक हो रहा है क्या, सीरियसली सीरियसली जी ये काफी बड़े बड़े हैं नाम ये देखें। मुझे नजर भी थोड़ी इंग्लिश तो आपको पता है दूर से जरा। अगर हम अमेरिका के लोकल लीडर्स की बात करें तो इसमें भी चार बड़े नाम है, पहला है निदा अलाम, रविंदर भल्ला, फराह खान, हैरी सिद्धू। ये वो 200 लोग थे जो अपने काम से भारत का नाम और जहां पर ये काम कर रहे हैं वहां का नाम पूरी दुनिया में उसका परचम फहरा रहे हैं। बात है यार। कमाल है। इधर हो ये वीडियो खत्म। अबे क्या शौक दिया इस वीडियो ने वे? मतलब के पहले तो प्रधानमंत्री की बात करते हैं वो जो पीएम होते हैं वो चार पांच पांच कंट्रियों में भाई वो पुर्तगाल और कंट्री में भाई इंडियन है। बिल्कुल वज़ीर-ए-आज़म मिनिस्टर के फिर वाइस प्रेसिडेंट अमेरिका का भी इंडियन है वो लड़की है लगाए दादा। मैं वही बाइडेन की सरकार आई है तो मैं वही देख के मैं हैरान हो गया। मैं कह रहा हूँ इंडियन वाइस प्रेसिडेंट है सीरियसली। वाइस प्रेसिडेंट नायब सदर होता है ना। हाँ क्या पता आने वाले टाइम में वही वहां की प्रेसिडेंट बन जाए। हो सकता है क्योंकि ये जब ओबामा बना था तो उसका वाइस प्रेसिडेंट बाइडेन था। बाइडेन था अभी बाइडेन बना इसकी वाइस प्रेसिडेंट ये तो बन सकती है भाई। बिल्कुल। और पापा कनाडा में भी कितने बड़े बड़े पद पर है। देखें सिंगापुर और मुल्कों में भी देखें सिंगापुर और जो मुल्कों में चीफ जस्टिस के ओहदे पर भी वो बैठे हुए इंडिया के लोग। ये 200 की लिस्ट है ये बहुत बड़ी बात है। आजाद की बात है कि इंडिया के लोग बाहर मुल्कों की उनकी कंट्री की खिदमत कर रहे हैं और राज कर रहे हैं। कैसे बोलते हैं वो खिदमत नहीं कर रहे हैं एक हुकूमत चला रहे हैं उनकी। हाँ हुकूमत चला रहे हैं खिदमत की बात नहीं है उधर बताओ उनकी नौकरियां शौकरियां कर रहे हो नौकरी ना भाई उल्टा उनको चला रहे हैं। इंडिया के बगैर कोई मुल्क नहीं चल रहा। इंडिया के बगैर नहीं जा रहा ये आपने पापा बात बहुत गहरी की है और एकदम इंडिया उनकी हुकूमत को चला रहा है। सही बोला है पापा कोई शक नहीं। अब देखें बाइडेन की सरकार में वो तो सिर्फ वाइस प्रेसिडेंट है इंडियन और बाइडेन की सरकार में जो और लीडर नहीं होते वो सियासतदान वो भी कितने लंबी लिस्ट यार उनके उसका नाम नहीं लिया लंबी लिस्ट बताइए। अभी ऐसे मुल्क भी हैं जिधर काबीना जो काबीना होती है मिनिस्टर की वो नीचे सारे मिनिस्टर होते हैं मिनिस्टर भी सारे इंडिया के हैं वो बता रहे थे बता रहे थे कितनी लिस्ट हुई है यार। मैं तो कहता हूँ मैं खुद ये वीडियो देख के ऐसा हैरान हो गया हूँ कि दुनिया का कोई कोना ऐसा नहीं है कोई ऐसा कंट्री नहीं है जिधर इंडिया उसे चलाना रहा। यारा पापा कसम से मैं कहता था कि मतलब ये बड़े बड़े नाम है सुंदर पचाई ये टॉप 10 या टॉप 20 होंगे। ये तो आपने मुझे बताया मैंने सुना हुआ है ना ये तो ये यूट्यूब के या गूगल के ये सुंदर पचाई हो गया। पर ये जो 200 लिस्ट दिखाई है ना आदमियों की
ये मेरी तो आंखें अक्का पक्का रह गई हैं कि मैं दुनिया को चलाने वाले इंडिया है। पापा कसम से मुझे खुद नहीं पता था इसके बारे में, नहीं पता था। मेरा एक साल हो गया इंडिया के बारे में एक्सप्लोर करते हुए, मुझे आज तक नहीं पता लगा कि इंडियन सियासतदान है, मुल्कों पे राज कर रहे हैं, वो मुझे नहीं पता था। टू बी ऑनेस्ट रह के बात करूं, मैं इंडिया के लिए बहुत ही फखर की बात है कि उनके ये लोग, मतलब कि उनका इंडियंस का नाम रोशन कर रहे हैं। बिल्कुल, उधर इतना तो हमें नहीं पता है, क्या पता इंडियंस को भी ना पता हो, लेकिन उन कंट्री का लोग जब बोलता होगा ना, यार ये प्रेसिडेंट है या ये चीफ जस्टिस ये इंडिया का, बोलते होंगे क्या बंदा है, अच्छी खिदमत सर अंजाम दे रहा है, इंडिया की तारीफ है इसमें। चीफ जस्टिस का भी बहुत बड़ा होता, बहुत बड़ा। अगर किसी मुल्क का चीफ जस्टिस हो तो समझो सदर है। हाँ, एक किस्म का वो सदर है, क्योंकि जहरी बात है इसमें क्षमता होती है कि वो पीएम और सदर को भी साइड पे हटा सकता है। अगर सदर किसी दौरे पे जाता है तो वजीर फिर सदर का होता चीफ जस्टिस को दे देते हैं। एग्जैक्टली, नायब से आर्जी तौर पे। एग्जैक्टली, 6-7 दिनों के लिए जाए ना बाहर मुल्क किसी दौरे पे, चीफ जस्टिस नायब सदर होता है। एग्जैक्टली, बात आपकी ठीक है। तो यार आप लोग बताएं आपको ये वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बहुत ख्याल रखना, तो बाय।